राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? जोधपुर का शेर है, अशोक गहलोत शेर है, बिल्कुल शेर है। अरे अशोक गहलोत तो आप हमें लग रहा है टूट होंगे, उनके आयकर विभाग जो पहुंच रहा वो शेर है, शेर कभी लगता है क्या? बब्बर शेर, शेर मोदी जी हैं, आप फिर बोलो। अरे आप वो तो आपने किया घर में, अशोक गहलोत राजस्थान में, साल कांग्रेस पांच साल बीजेपी, मगर इस बार रिवाज बदल चुका है, वापिस कांग्रेस आ रही है। सीएम साहब हमारे यहाँ एमएलए में आए, इस एरिया के अंदर आए, काफी लोगों से मुलाकात की, काफी लोगों से मुलाकात की, वही मुलाकात में आप पिघल गए। हम तो अरे शुरू से पिघले हम तो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैब। इस वक्त मैं राजस्थान में हूं, राजस्थान का माहौल क्या है ये हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। जनता से डायरेक्ट बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, अशोक गहलोत या बीजेपी कौन आने वाला है, क्योंकि अभी बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कोई है नहीं, सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर चुनाव किया जा रहा है। सांसदों को भी मैदान में उतार दिया गया है। आज तो आयकर विभाग जो है अशोक गहलोत के करीबियों के यहाँ पहुँचने लगा है, तो अब देखना ये होगा कि जनता किसके साथ होने वाली है। तो चलिए भैया, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। राजनीतिक सियासत क्या है, क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया सर, आप? फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास। राजस्थान में क्या चल रहा है चुनाव को देखते हुए मद्देनजर? राजस्थान में चल रहा है सर, अभी अशोक जी सरकार आएगी, कन्फर्म। नहीं, अशोक जी हैं ना? बिल्कुल हैं। तो रिवाज यही है कि यहाँ पर कभी दोबारा कोई आता नहीं है? कोई नहीं आता सर, राजस्थान में अशोक जी चाहिए सर। नहीं, एक बार जो बन जाता है, यानी बीजेपी कांग्रेस ये होता रहता है पांच साल बस, तो अशोक जी को कैसे डबल? अशोक जी आते यहाँ पर तो अशोक जी आ रहे हैं, अशोक जी आएंगे अभी तक तो, अशोक जी आएंगे। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता, ऐसा क्यों लगता है? ऐसे लगता है अशोक जी यहाँ काम कराते हैं, यहाँ पर हर चीज में सपोर्ट करते हैं। वसुंधरा क्या करता है, मोदी सरकार क्या करता है? अरे अशोक जी के सामने हो सकता है सांसद जी चुनाव लड़ लें तो अशोक जी हार जाए कहीं? वो तो क्या, वो तो उनका नसीब है, हार जाओ तो उनकी नसीब की बात है। वो होती कोशिश तो यहाँ पर तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। आप लोग मतलब कांग्रेस को वोट तो आप मानते हैं? बिल्कुल। अशोक गहलोत बिल्कुल, क्या कर रहे हैं आप? पॉलिटिक्स है क्या चीज, क्या पॉलिटिक्स? जो अशोक गहलोत को जो लड़के को ऊपर ईडी का जो लगाया गया है आरोप, करीबी है उनका आरोप जो लगाया गया है ईडी के ऊपर, उनको पेश होना है उसके अंदर, तो ये आरोप लगाया गया है उनके ऊपर, और ये सदापुरा क्षेत्र अशोक जी की ही फेवर का। ऐसा ना हो अशोक गहलोत घबरा जाए। बिल्कुल नहीं, वो शेर है, जोधपुर का शेर है, अशोक गहलोत शेर है, बिल्कुल शेर है। अरे मोदी जी शेर है, 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का हो या 95 का हो सीना, मगर हमारे अशोक जी शेर है, उस शेर तो शेर रहता है। अशोक गहलोत शेर है, बिल्कुल शेर है। अरे मोदी जी का जादू चलेगा राजस्थान में, बता रहे हैं मोदी जी का जादू नहीं चलेगा, जादू चलेगा अशोक। बताया जा रहा है कि मोदी जी आएंगे माहौल बदल देंगे, क्योंकि मोदी जी जादूगर है। बदल देंगे, आएंगे आएंगे नहीं, वो अब आएंगे नहीं। मोदी जी कहाँ से बदल देंगे, जादूगर कहाँ से? अशोक गहलोत का वली साहब थे जादूगर, तो जादूगर अशोक गहलोत है, और जादूगर अशोक गहलोत है, वो उनसे बना कोई जादू किसी के पास है भी नहीं, जादूगर है। राजस्थान या दिल्ली हो, सब जगह ही कांग्रेस का किसी आने वाले समय के अंदर यही राज करेगी, कांग्रेस राज करेगी, बिल्कुल राज करेगी। मोदी सरकार हो, वसुंधरा राज्य सामने है, वसुंधरा राज्य सामने है, उससे मुझे आप ये बात बताइए, अभी तक बीजेपी ने सदापुरा में कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा गया, इसका कुछ जवाब है आपके पास? आपका मीडिया के पास में सदापुरा क्षेत्र के अंदर बीजेपी ने अभी तक अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा गया? अरे उतार देंगे जब समय आएंगे, समय तो आता है, समय आता है, क्योंकि उनको पता है कि शेर खड़ा सामने, शेर के सामने बकरी कब लेकर आएंगे। अरे शेर के यहाँ आयकर विभाग पहुंच गया है। अरे आयकर विभाग पहुंच गया तो कल आपको पता पड़ जाएगा आयकर विभाग क्या करता है अशोक जी के आगे, उनके बच्चे के लिए क्या करते हैं। अशोक जी खुद खड़े हुए हैं, जो आप देखिएगा कल। आपको लग रहा है कि कांग्रेस में मतलब राजस्थान के अंदर रिवाज बदल जाएगा, राज नहीं बदलने वाला आपको लग रहा है? इस बार ना तो रिवाज बदल रहा है इसका, कांग्रेस दोबारा वापस आ रही है, बिल्कुल 110% के साथ में, और बोरे बहुमत के साथ में आ रही है। क्या कर दिया है भैया आप लोगों के लिए अशोक गहलोत? बहुत कुछ कर दिया है, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया अशोक जी ने। भैया यहाँ ये क्या किया है अशोक गहलोत ने? नहीं किया अशोक जी ने, हर चीज का गैस की टंकी में, हर चीज में, वो तो मोदी जी कर रहे हैं बता रहे हैं। अशोक जी के इस वार्ड के अंदर बिजली सब अशोक जी आने वाले, अशोक जी आएंगे। आपको लग रहा है कि अशोक जी आएंगे, आ जाएंगे। ये अशोक गहलोत जादूगर है क्या यार, पूरा लाहेर बन गया है। हाँ, क्या पूछना है बोलिए।
आप क्या पूछ रहे बोलिए, यहाँ कुछ भी करो अशोक जी की सरकार बनेगी, बोलिए किसी की सरकार दूसरे की नहीं बनेगी यहाँ पर, किसी की और नहीं बनेगी, और नहीं बनेगी, अशोक जी की सरकार बनेगी यहाँ पर। 5 साल और राज करेगा अशोक जी, अभी इसी साल क्षेत्र से अशोक जी की सरकार बनेगी, बाकी किसी की सरकार नहीं बनेगी यहाँ पर। अशोक जी कोई वोट देता है, हमारे बडेरे भी वो अशोक जी को वोट दे रहे हैं, हाथ को वोट दे, हमारे परंपरा है बड़े बड़े गैप रहे, और हम भी हाथ को वोट दे रहे हैं, और अशोक जी की सरकार बनेगी और किसी की नहीं। अशोक गहलोत, हाँ अशोक गहलोत की सरकार बनेगी और किसी की सरकार नहीं बनेगी यहाँ पर। लोग बता रहे हैं सिर्फ विधायक बन के रह जाएंगे, सीएम नहीं बन पाएंगे, सीएम बनेंगे, ऐसा है मेरी बात। एक मिनट, अशोक गहलोत ने जो राजस्थान में काम किया है ना के किसी प्रधानमंत्री ने किया है ना कोई कर सकता है। आज एक आज तक अशोक गहलोत ने जो काम किया है वो अशोक गहलोत ही कर सकता है, और न कोई दूसरा नेता कर सकता है, ना सीएम ना प्रधानमंत्री कर सकता है। जबकि प्रधानमंत्री के अंदर मोदी जो है उसका भी है मतलब देश के ऊपर काम करने का। सबसे बड़ी बात, एक तोता है उसका नाम है आयकर विभाग, उससे कोई मतलब नहीं है, तोता उससे कोई मतलब नहीं। अशोक गहलोत की सरकार फिर से बनेगी और फुल बहुमत से बनेगी और धमाके। आपको क्या लग रहा है ये आयकर विभाग जो भेजा गया है क्यों भेजा गया होगा? आपकी राय आप रखो, हमारी राय रख रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो, हमारा क्या लग रहा है क्यों भेजा गया? जीतेगा ये, वो इसीलिए भेजा गया है, उसको ऊपर ईडी का जो लगाया है, जब पैसा दिया गया उसका क्या यूज किया गया, क्या नहीं किया यूज किया, तो वो तो कल सब जवाब आ जाएगा आप लोगों के सामने, मीडिया को जवाब देगी, उसने जो काम, गवर्नमेंट जवाब देगी, सीएम साहब खुद देंगे, और बिल्कुल बाइज्जत सारा ब्यौरा बना के रखे हुए हैं, बिल्कुल 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 क्लियर है। तो गहलोत डरने वाले नहीं, वो शेर है, शेर कभी डरता है क्या? बब्बर शेर, शेर मोदी जी हैं, आप फिर बोलो। अरे आप वो तो है, आपने कह दिया अपने घर में अशोक गहलोत राजस्थान में हर जगह शेर है। ये जिस एरिया में आप खड़े हैं सदा क्षेत्र में, यहाँ का बब्बर शेर कहलाता है, और ये सामने जो गार्डन आप जो देख रहे हैं उम्मीद उद्यान, इसमें बब्बर शेर रहते थे और रहते हैं और रहते रहेंगे, रहते रहेंगे बिल्कुल। ये यहाँ की जितनी भी शेर को आपने जयपुर में भेज दिया है, वो हमने नहीं भेजा है, हमने तो उनको दिलों में बसा के रखा हुआ है, हमने दिल में कहलोता आपके दिल में, बिल्कुल दिल में। गजब है यार, ये तो मतलब पूरा फाड़ दिए हैं, ऐसा बता रहे दिल में है, तो है हमारे दिल में भी है, के बच्चों बच्चों के दिल में अशोक गहलोत है, राजस्थान के बच्चों बच्चों के दिल में अशोक गहलोत है, ऐसा है और रहेंगे अशोक गहलोत। जो मौजूदा सांसद है अगर वो लड़ जाएंगे अशोक गहलोत को सामने, तो बाल्टी भर के पानी भर के घर जाएंगे, बाल्टी भरकर और घर जाएंगे, और इतना बुरा हारेंगे। सुनो, अशोक गहलोत के सामने राजस्थान में ना कोई जीत सका ना जीत पाएगा, ऐसा नहीं हो जाए कि जमान जब्त हो जाए। सांसद है भाई, थोड़ा सा हो या कुछ भी हो, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या जमाने जब्त नहीं हो जाए अशोक जी का? जोधपुर जिले के हैं मालिक, ये क्या लाए जोधपुर के अंदर शेखावत साहब, ये बताओ हमें, शेखावत साहब क्या ले गए? कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं लाए, बताओ तो सही, आप मीडिया हो, आपको बताओ क्या लाए, लाए क्या चीज है यहाँ पे? बता रहे जो बीजेपी के लोग बहुत काम करते हैं, किस लिए काम किया, क्या काम किया उन्होंने, क्या काम किया शेखावत साहब ने जोधपुर के अंदर, ये बताओ तो सही। अशोक गहलोत ने क्या काम कर दिया जोधपुर के, तो चमन किया है राजस्थान को, पूरे को चमन किया है राजस्थान को, पूरे को चमन किया, सोने की चिड़िया बनाई है राजस्थान को। क्या लोग बता रहे हैं, लोग आए हमारे लिए, शेखावत साहब क्या लाए जोधपुर से, हमने इसको चुना, शेखावत बता ये रहे हैं कि राज बदलने का मतलब होता है कि गहलोत जी जा रहे हैं, रिवाज का मतलब यह है कि हमेशा जो है गहलोत जी आ रहे हैं वापस, ये वापस रिवाज, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, राज या रिवाज, ना तो राज बदलेगा ना रिवाज बदलेगा, दोनों अपनी जगह रहेंगे, और अशोक गहलोत फिर आ रहा है। रिवाज अगर नहीं बदलेगा तो यहाँ का राजस्थान का इतिहास रहा है कि 5 साल बिल्कुल आप राइट कह रहे हैं, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, मगर इस बार रिवाज बदल चुका है, वापिस कांग्रेस आ रही है, मतलब राज नहीं बदलेगा रिवाज बदल जाएगा, रिवाज दोनों बदल जाएगा। आप भी अपने हाथों से गुलपोशी जिस तरीके से इस्तकबाल कर सकते हैं अशोक गहलोत का, वैसे कीजिए, हमारे साथ मिलकर अशोक गहलोत का समर्थन करो आप, हम भी करते हैं, बिल्कुल करना पड़ेगा, हम करें भैया, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया जो आज तक कोई नहीं कर सका, उन्होंने काम ही ऐसा किया आज तक कोई नहीं कर सका ना कर सकेगा। परसों सीएम साहब हमारे यहाँ मेले में आए, इस एरिया के अंदर आए, काफी लोगों से मुलाकात की, काफी लोगों से मुलाकात की, वही मुलाकात में आप पिघल गए, हम तो अरे शुरू से पिघले हम तो, अशोक गहलोत के लिए पिघले हुए, जान भी दे सकते हैं, शेर है और सरदारपुर क्षेत्र का मालिक है वो, जीतेगा वो, पहले से पिघले हुए हैं, वो जोधपुर का तो बेटा ही है, मगर इस क्षेत्र का भाई है बड़ा वो, और आपको इरफान बेली हमारे जो पार्षद हैं
अच्छा अगर मोदी जी आ जाएंगे भाषण वासण देंगे तो कुछ होगा उनके ना? क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। क्या होगा पता है? क्या होगा? मोदी जी आएंगे, भाषण देंगे, जैसे भाषण दिए वैसे चुपचाप चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। मतलब उनका भाषण होगा। 500 रुपए में आदमी बहुत मिलते हैं, 200 रुपए में बहुत मिलते हैं, पब्लिक आएगी। 500 रुपए फायदा हो जाएगा जनता का, जनता का तो जनता 500 रुपए लेके जाएगी, अपने एक दिन की रोटी तो बनाएगी ना। सीएम साहब आएंगे ना, 5000 भी देंगे तब भी हम नहीं लेंगे हमारा सब चीज से, उल्टा हम उनको माला पिला के उनका पूरा स्वागत करेंगे। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, मेहनत करो, आपका काम है, बाकी 100% अशोक गहलोत सीएम बनेगा। आखिरी रिव्यू ले लेते हैं, लोगों से जान लेते हैं कि राजस्थान के दिल में कौन? अशोक गहलोत आखिरी अशोक गहलोत जब तक जिंदा है जब तक अशोक गहलोत। तो धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जनता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लोगों से हम बात कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, लेकिन सीधा जनता का कहना है रिवाज बदलेगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले इलेक्शन में जनता किसके साथ जाने वाली है और आने वाला रिजल्ट जो है वो किसके पक्ष में होने वाला है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे 24।